हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको विंडोज़ के टास्क बार फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आप किस तरह अपने टास्क बार को हमारे सूटेबल तरीके से सेटअप कर सकते हैं और ये कितना यूज़फुल रहेगा आपके लिए और ये कितना टाइम आपका बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टास्क बार की कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ। जैसे कि जो नीचे की लाइन रहती है, इसको टास्क बार फीचर कहते हैं विंडोज़ में। तो इसमें आपको फर्स्ट नंबर पे स्टार्ट मिल जाता है। स्टार्ट में आपको सारी एप्लीकेशन मिल जाती है जो सिस्टम की होती है या फिर जो हमने इंस्टॉल की होती है, वो सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। शटडाउन वगैरह का ऑप्शन आपको यहीं से ही मिलता है। और जो सर्च का आइकन रहता है, जैसे कि सेकंड नंबर पे मेरे इसमें सर्च का आइकन रहता है, तो अगर आप विंडोज 7 चला रहे हैं तो सर्च बार भी आपका स्टार्ट में ही मिल जाता है। इसमें आपको पूरी सेटिंग मिल जाएगी, मतलब विंडोज़ की जो सेटिंग रहती है वो पूरी सेटिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सेकेंड नंबर पे मैंने आपको जैसे कि बताया, आप सर्च बार मिल जाएगा आपको। आप यहाँ पे जाकर और किसी भी सॉफ्टवेयर को आप तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपके कंप्यूटर में से सर्च कर सकते हैं या किसी भी फाइल को यहाँ से सर्च कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में अगर वो हो तो। थर्ड नंबर पे आपको टास्क व्यू मिलता है। टास्क व्यू में आप डेस्कटॉप चेंज कर सकते हैं, मतलब कि आपको फर्स्ट डेस्कटॉप पे आप अगर काम कर रहे हैं और आपको सेकंड डेस्कटॉप ओपन करना है, बहुत सारे आपके फर्स्ट डेस्कटॉप पे जो है वो फाइल्स ओपन हो चुकी हैं या कुछ भी ओपन हो चुका है, बहुत सारी विंडोज़ ओपन है, तो आपको क्लीन डेस्कटॉप चाहिए, तो आप यहाँ से न्यू डेस्कटॉप कर सकते हैं, तो आपका सेकेंड डेस्कटॉप जो है वो ओपन हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आपको कुछ एप्लीकेशन दिखाई देगी, जैसे कि ये सिस्टम की एप्लीकेशन है, विंडोज़ खुद इनको पिन करके रखता है। आप किसी भी अपने सिस्टम के एप्लीकेशन हो या चाहे आप हमने इंस्टॉल करी हुई एप्लीकेशन हो, तो आप उसे यहाँ पर पिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पिन करके बताता हूँ, जैसे मेरा गूगल क्रोम है, तो मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा, पिन टू टास्क बार लिखा हुआ है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा वो नीचे पिन हो जाएगी। आप डायरेक्ट यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर देखेंगे पिन टू स्टार्ट, तो जैसे कि फर्स्ट नंबर पर जो स्टार्ट है तो ये पिन टू स्टार्ट, मतलब ये स्टार्ट पे पिन करेगा इसे। आप स्टार्ट में जाकर भी इसे फिर डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको राइट साइड के ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे कि आप अगर अपना जीमेल जो रहता है वो अगर इसमें लॉगिन करके रखते हैं, तो आपको आपके सारे कॉन्टेक्ट्स जो रहते हैं वो इसमें शो हो जाते हैं, पीपल्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर। फिर आपको मिल जाएगा हिडन आइकन्स, तो मतलब जो यहाँ पर हिडन आइकन्स रहते हैं, जैसे कि हमने इसे यहाँ पर लगा के रखा है, सेट करके रखा है, स्काइप हो गया या फिर HD ग्राफिक्स का हो गया या फिर एक्शन नीडेड का हो गया, पावर ISO का हो गया, तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वाईफाई की सेटिंग मिल जाती है, वाईफाई की सेटिंग और साथ में एरोप्लेन मोड या मोबाइल हॉटस्पॉट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर आपको बैटरी बैकअप का बता देता है कि आपका बैटरी का परसेंटेज वगैरह यहाँ पर बताता है ये। फिर आपको अगर आपका विंडोज़ एक्टिवेटेड है तो आपको यहाँ पर वन ड्राइव का बताएगा। यहाँ पर आपको साउंड का भी बता देता है, आपका साउंड क्या है और कैसा है। ये टच कीबोर्ड जो है ये विंडोज़ का ही फीचर है। इसे मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो एक कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, लेकिन जैसे कि आपके कीबोर्ड में अगर कुछ की नहीं चल रही है तो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको डेट एंड टाइम बता देता है यहाँ पर, और पास में ही उसके एक्शन सेंटर खुल जाता है। एक्शन सेंटर में आपको सारी एप्स, मतलब जो भी सारे फीचर्स रहते हैं सेटिंग्स के, जो भी मेन सेटिंग रहती है वो यहाँ पर दिख जाती है। जैसे मैं इसे ओपन करके बताता हूँ, इसमें आपकी सारी नोटिफिकेशन भी दिख जाती है। मैं यहाँ से अभी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे टैबलेट मोड है, ऑल सेटिंग्स, आप यहाँ से ऑल सेटिंग्स में जा सकते हैं, और आप एरोप्लेन मोड यहाँ से लगा सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं, लोकेशन आप चालू या बंद कर सकते हैं, ब्राइटनेस को यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बैटरी सेवर कर सकते हैं, ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, नाइट मोड वगैरह, तो आप यहाँ से उसे इनेबल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको टास्क बार की सेटिंग्स बता देता हूँ, आप टास्क बार पे जाइए और राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको लॉक द टास्क बार का एक फीचर मिल रहा है, मतलब एक ऑप्शन मिल रहा है। तो आप इसे अगर बंद करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा अभी ये एरो का निशान आने लगा है, तो मैं यहाँ से अगर इसे बड़ा करना चाहूँगा तो ये बड़ा हो सकता है, जितना मैं यहाँ तक ये एंड हो जाता है, इससे बड़ा नहीं होता है वो। इसे मैं वापस से कम कर देता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे आप उतना बड़ा इसे रखिए। मैं इसे वापस से लॉक कर देता हूँ। इसको लॉक कर देंगे तो फिर वो यहाँ पर
एरो का निशान नहीं आएगा। अब मैं जैसे कि यहाँ पे और भी ऑप्शन है, टास्क मैनेजर, यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये जैसे कि मेरा टास्क मैनेजर ओपन हो चुका है। इसमें आप ऊपर जैसे कि शो टच कीबोर्ड बटन, मतलब जैसे कि अभी मैंने एनेबल कर रखा है, अभी मैंने आपको ओपन करके बताया था कीबोर्ड, तो मैंने इसे एनेबल कर रखा है। अगर आपके इसमें डिसेबल हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो वो यहाँ पर इनेबल होकर और आइकन में आ जाएगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ओपन हो जाएगा वो शो विंडोज लिंक वर्क स्पेस बटन। ये यहाँ पर इसका विंडोज लिंक आ जाए, इंक आ जाएगा। इंक में मतलब आप कुछ भी वर्क स्पेस का जो काम रहता है, मतलब नोट्स में या फिर आपको कुछ भी स्केच वगैरह बनाना रहता है, तो आप यहां से बना सकते हैं। आप यहां से मतलब डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं अगर आपने वहां पे इनेबल कर दिया उसे। तो मैं अभी वापस से डिसेबल कर देता हूं उसे। फिर इसमें शो पीपल ऑन द टास्क बार, मतलब राइट साइड में जो मेरे पीपल्स का ऑप्शन आ रहा है, इसे इनेबल करना है या डिसेबल, मतलब मैंने अभी इनेबल कर रखा है। अगर आपको भी इनेबल करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो इनेबल हो जाएगा। शो टास्क व्यू बटन, तो ये टास्क व्यू बटन यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा था लेफ्ट साइड में, तो इसे भी मैंने इनेबल कर रखा है अभी। टूल बार जो रहता है, टूल बार में जैसे कि एड्रेस रहता है, एड्रेस में आप क्या कीजिए कि यहाँ पे अगर आपको इंटरनेट का ज़्यादा ही काम रहता है, आपको बार बार इंटरनेट ओपन करना रहता है, तो आप यहाँ पे www.google.com डाल दीजिए, या फिर जो भी वेबसाइट का आपको ज़्यादा काम रहता है, कोई सी भी ऑफिस की वेबसाइट हो या कुछ भी वेबसाइट हो, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट डाल दीजिए। जैसे ही उसके बाद में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि अभी तो ये ऑटोमेटिक हो गया, आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करके और इंटर करेंगे तो वो यहाँ पर डायरेक्ट आपको ले जाएगा उसी साइट पर जो भी आप साइट यहाँ पर लिंक दे देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिंक का मिल जाता है, जैसे कि ये लिंक यहाँ पर नीचे आ चुका है। तो इस ये एक तरह से एक फोल्डर रहता है, मतलब कि जो भी आप फोल्डर इसको यहाँ पर देंगे वो यहाँ पर फोल्डर ओपन हो जाएगा। एक तरह से यहाँ पर वो डायरेक्ट फोल्डर ओपन करेगा, जैसे कि अभी इसने फेवरेट बार का करा था। तो आप जो भी यहाँ पर फोल्डर का लिंक यहाँ पर दे देंगे तो वो डायरेक्ट उसे ओपन कर देगा। उसके बाद में ऑप्शन आता है डेस्कटॉप का, तो यहाँ पर डेस्कटॉप है, जैसे कि डेस्कटॉप में जो भी आपका मतलब यहाँ पर जो एप्लीकेशन है आपके डेस्कटॉप में, तो वो सब आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट उसे। और जैसे कि इसमें टूल बार में न्यू टूल बार भी आ रहा है। न्यू टूल बार में क्या होता है कि आप किसी भी फोल्डर को, मतलब कि जैसे कि आपको किसी भी फोल्डर का ज़्यादा काम होता है, आपको बार बार ओपन करना रहता है, तो जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट्स का भी कर देता हूँ और सिलेक्ट फोल्डर करूँगा तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या जो भी फाइल्स वगैरह फोल्डर वगैरह होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको विंडोज़ के जो टास्क बार की सेटिंग होती है उसको बता देता हूँ। जैसे कि विंडोज के टास्क बार की सेटिंग है, इसमें जैसे कि मैंने आपको लॉक द टास्क बार का तो बता ही दिया है, आप अनलॉक करके उसे जितना बड़ा चाहे कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप, मतलब कि आप इसे ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। और जब भी आपको उस टास्क बार की ज़रूरत होगी, आप एरो को नीचे ले जाएंगे तो वापस से शो होना स्टार्ट हो जाएगा, और एरो को आप ऊपर ले जाएंगे तो वापस से हाइड हो जाएगा। मैं अभी इसे बंद कर देता हूँ वापस से। सेम ये का यही ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टेबलेट मोड के लिए है, मतलब आपने अगर टेबलेट मोड ऑन कर रखा है, विंडोज 10 में एक ऐसा फीचर रहता है जिसमें आप टेबलेट मोड भी ऑन कर सकते हैं, तो अगर आपने उसे ओपन कर रखा है तो उसमें भी वो हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक टास्क बार, जैसे अभी डेस्कटॉप में हो रहा था। यूज स्मॉल टास्क बार बटन, मतलब कि ये आपका ऐसा रहता है सेटिंग, मतलब ये ऑफ रहता है, तो आपके इसमें जो नीचे का टास्क बार है वो बहुत बड़ा शो होता है। अगर आपको इसे स्मॉल करना है, छोटा करना है, तो आप इसे ऑन कर दीजिए तो वो पूरी लाइन जो है वो भी छोटी हो जाएगी और आपके आइकन भी जो है वो छोटे हो जाएंगे। अब इसमें जैसे कि नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, तो आप इसे लेफ्ट राइट टॉप पे या
जैसा आप चाहें कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा बॉटम बीच में है, नीचे की साइड में है, तो आप लेफ्ट में इसे कर सकते हैं तो लेफ्ट में आपका टास्क बार आ जाएगा। आप राइट में भी इसे ले जा सकते हैं या फिर आप इसे टॉप पर भी ले जा सकते हैं। जैसे मैंने टॉप पे ले गया हूँ इसे, तो आपको जिधर की साइड में वो सूट करता है आप उस साइड में उसे रख सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी नीचे ही सूट करता है तो मैं नीचे ही रखूँगा। आप जैसे कि इसमें कंबाइंड टास्क बार बटन है, तो जैसे कि मेरा नीचे ये सेटिंग खुला हुआ है, तो आप देखेंगे मैं नेवर कर दूंगा तो यहाँ पर जो है वो पूरा दिखाई देने लग जाएगा, मतलब एक तरह से एक विंडो के टाइप वो दिखने लग जाएगा। तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको छोटा आइकन रखना है तो आप ऑलवेज हाइड लेबल्स, मतलब कि उसकी जो लेबल रहती है, जो अभी लेबल आ रही थी, तो वो आप हाइड भी कर सकते हैं या फिर उसे अनहाइड भी कर सकते हैं यहाँ से। अब इसमें जैसे कि पीपुल का ऑप्शन जो था यहाँ पर राइट साइड में फर्स्ट नंबर पे, तो इसमें शो कॉन्टेक्ट ऑन द टास्क बार, मतलब कि आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो यहाँ पर शो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो मैंने इसे ऑन कर रखा है। शो माय पीपल नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन भी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो ये सब जो सेटिंग्स है वो आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, मतलब आपको जैसा सूट हो वैसे आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये टास्क बार की सेटिंग्स थी कुछ, जो कि आपको बताना ज़रूरी थी। बहुत सारों को टास्क बार की सेटिंग्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, सिर्फ टास्क बार में पिन वगैरह करना, जो कि नॉर्मल चीज़ें रहती है, वो सब पता होती है, लेकिन जैसे लिंक क्रिएट करना या एड्रेस क्रिएट करना, ये सब पता नहीं रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।